हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। आज हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप 11th नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं 11th का सिलेबस भी कवर करूँ, ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, क्योंकि नीट में ज़्यादातर एनसीईआरटी पोर्शन आता है 11th से। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं और बताते हैं कि हाँ हमें नीट की तैयारी करनी है, आप एनसीईआरटी 11th की पढ़ाई है, तो मैं 11th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पीसीआर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई डीएनए मॉलिक्यूल जो है या जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए हमने उसे किसी ऑर्गेनिज्म में से निकाला, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि जो डिज़ायर्ड डीएनए था वो संख्या में बहुत कम है, ठीक है, संख्या में बहुत कम है वो डिज़ायर्ड डीएनए, ठीक है, या नंबर में बहुत कम है और उन ऑर्गेनिज्म की तादाद भी बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, अब उन अगर कॉपीज़ को ज़्यादा बनाना है, उस डिज़ायर्ड डीएनए को ज़्यादा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है लैब में, ठीक है। तो पीसीआर को हम यूज़ करते हैं एज अ रेप्लिकेशन टूल इन लैब, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, उस डिज़ायर्ड डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ जिसे हम क्लोन कहते हैं उन्हें बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसे पहले डीएनए को वैक्टर में जोड़ें, डीएनए को पहले वैक्टर में जोड़ें और आरडीएनए बनाएं, और फिर हमें आरडीएनए की काफ़ी ज़्यादा कॉपी चाहिए, तो भी हम पीसीआर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर है, ये इन्वेंट करा था कैरी मूलीज ने 1985 में, जिसके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। इट इज़ डिफाइन एज डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन है इन विट्रो मीन्स लैब में, ठीक है। यूज्ड टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपी ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो। इसका हम यूज़ करते हैं किसी जीन की या किसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में, ठीक है, किसमें, इन विट्रो मीन्स लैब में। अब पीसीआर के लिए ना कुछ ज़रूरी मटेरियल होते हैं या कुछ एलिमेंट ज़रूरी होते हैं, वो क्या होते हैं हम उसे देखते हैं। एक तो डीएनए टेम्पलेट मीन्स हमें जिस डीएनए की कॉपी बनानी है वो तो बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ है। सोर्स डेट कंटेन वन और मोर टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल टू बी एम्पलीफाइड टेकन एज टेम्पलेट। यहाँ पे टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल को कंटेन करने की बात क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पे हम आरडीएनए को भी क्या कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। टू न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, हमें यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये प्राइमर कैसे होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के, मीन्स डीएनए का जैसे एक सिक्वेंस है, डीएनए का सिक्वेंस क्या होता है, 5-2-3-, ठीक है, हमेशा यही होगा, और इसके एंटी पैरेलल 3-5-, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मीन्स इसके अपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ 3-5-. अभी जब हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म पीसीआर का तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। और हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जो डीएनए पॉलीमरेज मीन्स डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह रिएक्शन को क्या कराए, कैटलाइज कराए। अब लेकिन उसकी ना एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो स्टेबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करता है टाक पॉलीमरेज। ये क्या है हमारा, एक तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन इसका नाम क्या है, टाक पॉलीमरेज। ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं पीसीआर में, और इसे हम आइसोलेट करते हैं एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टाक पॉलीमरेज एंड फ्रॉम विच बैक्टेरियम इट इज़ आइसोलेटेड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। ए सिंगल पीसीआर साइकिल कंटेन 3 स्टेप। अगर हम एक ही साइकिल करते हैं पीसीआर की मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो वो 3 स्टेप कंटेन करता है, कौन कौन से, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। ये 3 स्टेप जो है किसी भी पीसीआर साइकिल में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन क्या होता है, जो हमारा टारगेट डीएनए है उसे हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है। टारगेट डीएनए इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड मीन्स दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा डीएसआरएनए है,
सॉरी ये डीएनए होगा, डीएस डीएनए मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और मान लीजिए हमें ये जो हिस्सा है, मैं इसे हल्का सा शेड कर देता हूँ, ये जो हिस्सा है ये हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, मीन्स इसकी कॉपी बनानी है। ठीक है, तो अब इसकी कॉपी बनानी है हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसे हीट करा हाई टेम्परेचर पे, तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, टू प्राइमर जॉइन टू ईच ऑफ सिंगल स्टैंड टेम्पलेट डीएनए। अब जो दो प्राइमर हमने बात करी थी कि हम यूज़ करेंगे, वो एक एक स्टैंड पे लग जाते हैं, मींस अपनी पोलैरिटी देख के एक एक डीएनए को वो एक्वायर कर लेते हैं। जैसे देखिए हमें ये क्या करना था, यहाँ से क्या करना था, इसका पॉलीमराइजेशन करना था इस रीगन का, तो इसी रीगन के स्टार्टिंग में वो एक हमारा प्राइमर आके जुड़ गया। ठीक है, तो उसकी पोलैरिटी क्या हुई, 3-5, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी क्या है, 5-3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, इस एंड पे आके एक हमारा प्राइमर जुड़ गया 5-3। ठीक है, और इसकी जो डीएनए की स्टैंड की पोलैरिटी थी वो क्या थी, 3-5, और ये दोनों हमारे क्या है, प्राइमर हैं। ठीक है, तो ये दोनों आके अटैच हो गए। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, द टार्ग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए रिगन बिटवीन प्राइमर, प्राइमर आर एक्सटेंडेड टूवर्ड ईच अदर सो दैट डीएनए सेगमेंट लाइंग बिटवीन टू प्राइमरीज कॉपी। अब देखिए जो टार्ग डीएनए पॉलीमरेज होता है हमारा, वो दो प्राइमर के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, मींस एक देखिए हमने यहाँ पे लिया था रीजन, एक यहाँ यहाँ था हमारा, एक यहाँ था, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसे क्या करता है, टार्ग पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर देता है। मीन्स ये जितना पोर्शन है इसे टार्ग पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा। प्राइमर आर एक्सटेंडेड टू ईच अदर सो दैट डीएनए सेगमेंट लाइ बिटवीन टू प्राइमर इज कॉपीड। अब देखिए एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जितना भी पोर्शन था वो सारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पीसीआर। तो एक बात और बता दूँ, पीसीआर जब भी आपके एग्जाम में आएगा, आपसे पीसीआर के स्टेप्स पूछेगा, तो आप इसी तरीके से बताइएगा कि आपने एक्सटेंशन बताया बताया उसमें क्या होता है, और उसका डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको 2 ही मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स आपका कट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है हर एक स्टेप के साथ। अब हम देखते हैं पीसीआर का एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है पैथोजन, मीन्स हम इसे डायग्नोस पैथोजन डायग्नोस करने, जैसे हम इसे एड्स और एचआईवी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम उन बीमारी का पता लगा सकें। डायग्नेशन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन को चेक करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं कि किसी डीएनए के सीक्वेंस में म्यूटेशन आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, एक हम यूज़ करते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या होता है, मीन्स फॉर्टल स्टेज पे अगर किसी फॉर्टल में कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए उसे कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज़ करके उस बीमारी को डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हम उसे ठीक कर सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू, तो हम उसे जीन थेरेपी के थ्रू ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब जीन थेरेपी क्या होती है, ये आप चैप्टर इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी। अब देखिए हमने जीन थेरेपी करी, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जीन थेरेपी सही से काम कर रही है, मीन्स वो अपनी सेल अगर सही से बना रही है तो उसमें जो हमने जीन डिजायर जीन है वो सही से कॉपी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसकी उसको उस पर नज़र रखने के लिए हम एक तरीके से पीसीआर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो पीसीआर पे, मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे, जहाँ पे हमने उसके मैकेनिज्म को देखा, हमने देखा उसमें क्या 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 ज़रूरतें होती हैं पीसीआर में, और पीसीआर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।